विद्यानामन्तस्तिमिरोधीपन करै जडानां चेतान्या सबगम करेन्द्रो श्रुतिशिरा दरिद्राणां चिन्ता मणिगुण निकाज मजदधो निमग्नानां दृष्ट्वा स्मरणि पुमराहस्य भवति तदा पाणिभ्याम् अवयमरतो देवत गणेश्वमेकानेवासे प्रकटितवराभीत्यभिनया भयात्रा कौन्दातो अलमपि च वाञ्छाश्रमधिकां शरणं लोकानां तव हि चरणागे मणिपुरो हरिस्वामाराध्या प्रणति जन शोभाज्य जननि पुरा नारी भूत्वा सुररिपुमपेक्षोपमनयत स्मरोऽपि त्वां दत्त्वा रतिनयन लेहे नवपुषा मुनीनामाप्यान्ते प्रभवति हि मोहा हिमहितां धनुर्भोष्वामोर्वी मधुकरमहि पाञ्चविशिखावसान्ते सामन्तो मरय मरुधायो तनुरते तथापि कैशोर्वा हिमगिरिसुतेषामपि कृपामपाङ्ग्याशैलध्वा जगति तवनां को विजयते क्वणादिकां चिन्ता मा करिकलभकुम्भ। चैत्र शुक्ल पक्ष शुरू हो रहा है और इसके साथ ही हमारा नव वर्ष जो है वो भी प्रारंभ होने जा रहा है। तो इन नवरात्रों को देखते हुए माता जी के मंदिर को भव्य ढंग से सजाया दिया गया है और शासन और प्रशासन से भी उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी है ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। तो क्योंकि इन नवरात्रों में नववर्ष के उत्सव पर बहुत से श्रद्धालु देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से यहाँ आते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय माता दी। प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैना देवी जी में आज से चैत्र नवरात्रि जो है बड़ी श्रद्धापूर्वक प्रारंभ हो गए हैं तथा उम्मीद की जा रही है कि उत्तरी भारत के कई राज्यों से श्रद्धालु लाखों की संख्या में यहाँ पर पहुँचने की पूरी पूरी संभावना है। ऐसे में जो है नैना देवी के पुजारी वर्ग द्वारा भी अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा है जिसकी पूर्ण आहुति दसवीं के दिन यहाँ हवन कुंड में डाली जाएगी। जय माता दी। नवरात्रे हमारे शुरू हो गए हैं, माता रानी की कृपा से यहाँ पे मंदिर न्यास ने भी अपनी तरह से पूरी तैयारी कर ली हैं। हमारी सारी व्यवस्थाएँ जिसमें सुरक्षा हेतु खाने के लिए सभी व्यवस्थाओं को पूरा कर दिया गया है और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि वो अपना जब यहाँ आए तो कुछ अपनी धैर्य का भी परिचय दें और मंदिर न्यास का भी सेवा करें। जय माता।